पॉल कितना प्यारा लगता था, सच कहती हूँ। वो बदल गया है, बहुत गुस्सेल हो गया है, कभी कभी बहुत तकलीफ देता है। पॉल जब मैकेनिक था तब अच्छा खासा कमा लेता था, अब बस फाइट करता है। बॉक्सिंग मतलब पैसों के लिए? नहीं, ये कुछ अलग है, खौफनाक। पैसों के लिए लड़ता है, रिंग में या कहीं भी। वे उन्हें कहते हैं मौत का खेल। एना, तुम अगर खतरे में हो तो तुम्हें अपने आप को बचाना होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें पॉल को छोड़ना पड़े। पता नहीं ये उसे अच्छा नहीं लगेगा। तुम उससे बात कर सकती हो? जरूर, खुशी से, अगर वो राजी हो तो। लेकिन मुझे लगता है उसे खुद ही तय करना होगा वो मुझसे मिलना चाहता है या नहीं। तब तक तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही हो। अगर तुम्हें घर छोड़ना है, तुम कहीं और रह सकती हो। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, हमें पैसे चाहिए। मुझे इसके पैसे देने हैं। पोकट में ले जा बच्चे। ए दोस्त, तुम ठीक हो? पक्का? निकालो। तो मुझे भी मुफ्त में मिलेगा? सोचना भी मत, तुमसे तो पैसे छीनेंगे। अब ये बड़ी ज्यादती है, इस बच्चे को मुफ्त में दे दिया, या फिर अपनी बराबरी के किसी से मुकाबला करने को डरते हो क्या? बराबर बोल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बेवकूफ, आओ और तुम भी मुफ्त में ले लो। चल बे ढक्कन। अब मेरा कमाल। और ये मेरा कमाल। ए, चलो निक, हमें जाना है। ये क्या हो रहा है? इन दोनों से कसरत करा रहा था। ये पुलिस की जाते के खिलाफ हम अदालत में जाएंगे। अपना मुंह बंद करो। क्या तुम ये कर सकोगी? तुम्हारी हड्डी कैसी है? तुम कौन हो? मेरी माँ एलेन। हमें इस फाइट के कितने मिलेंगे? हैंग सही कह रहा है, हम ये छोड़ क्यों नहीं देते? बिल्कुल नहीं, कैरन की पढ़ाई अभी बाकी है। हाँ, कहाँ है वो? वो वहाँ पर है। अगर क्रिस्टी कहती है कि वो ठीक है तो मुझे उस पर यकीन है। क्यों? तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। ए लड़की, तुम्हें मर्दान की पसंद है? यह मारपीट छोड़कर मेरे घर पर क्यों नहीं चलती? क्योंकि तुम्हें तुम्हारे दांत ढूंढने में वक्त लगेगा। बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करती हो। हैं? हाँ, यही बात है। ठीक है, वही खेल वही नियम, ये रहे पैसे, जीतने वाले को सारे मिलेंगे। पढ़े
हे डायब्लो, तुम हार चुके हो। चलो रोकड़ा निकालो। अच्छी फाइट। $600। पुलिस, ठहरो। ए जिमी, तुम्हें मालूम है वो कहाँ मिलेगी? हाँ यार, वो किसी साइंस क्लास में पड़ी होगी। मुझे लगता है साइंस बिल्डिंग वहाँ पर है। चलो चलें। तो चलो। हाँ चलो ना। वो रही वहाँ। ए चलो। कैरन। कैरन। हाय कैरन। हाय गाइस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब ये मत कहना कि क्रिस्टी ने तुम्हें यहाँ एडमिशन दिलवाया है। नहीं, हमने अर्जी तो दी थी लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं दी, कहा कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है। जाने दो, वैसे भी हम लोग इधर टाइम पास करने नहीं आए। हाँ, क्रिस्टी को तुम्हारी मदद चाहिए। मॉली, मैं तुमसे फिर बात करूंगी। ओके। उसे कुछ हुआ तो नहीं? क्या उसका एक्सीडेंट हुआ? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, उसे बस गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया? क्यों? बस गलतफहमी से। हाँ, बस गलतफहमी से ऐसा हुआ कि कुछ गुंडे मारपीट कर रहे हैं। हाँ, और पुलिस ने क्रिस्टी को गलती से पकड़ लिया। हाँ। लेकिन क्रिस्टी क्यों? क्या वो लड़ रही थी? नहीं, वो सिर्फ गलत जगह पर थी। हाँ, बस इतना ही। उन्होंने सारा मोहल्ला छान मारा और 30 साल के अंदर के सभी को उठा लिया उम्र की वजह से। लेकिन जब पुलिस तुम्हें देखेंगे और तुम कितने खूबसूरत हो और कितने अच्छी स्टूडेंट हो ये देखेंगे, तब वो शांत होकर उसे तुरंत छोड़ देंगे। ओके, तो बताओ अब क्या करना है? बस हमारे साथ चलो, हमने सब कंट्रोल में कर लिया है। चलो निकलते हैं। एलन, तुम गाड़ी चलाना। कैरन। ओ हाय डॉक्टर सीमंस, तुम क्लास में नहीं आ रही हो? ओ, मैं आपको बताना भूल गई, मुझे आज रात को मेरी बहन से मिलना है, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन तुम कल तो आ रही हो ना? ओ हाँ जरूर। तो कैसे चल रहा है तुम्हारा रिसर्च एबनॉर्मल साइकोलॉजी प्रोजेक्ट को लेकर? नहीं, ये तो मेरी बहन के दोस्त है। अच्छा, तो कल मिलते हैं। बाय। कैरन, मुझे हैरत होती है तुम पर। क्या कॉलेज में तुम्हें झूठ बोलने के लिए सिखाते हैं? तुम भी ना। चाय? इसमें क्या बुराई है, तुम्हें चाय पसंद नहीं? तुम्हें मालूम है मैं यहाँ कितनी देर से बैठी हूँ? तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे उन दूसरे फाइटर्स के नाम चाहिए, और ये फाइट्स कराता कौन है? कौन सी फाइट? मैंने तो नहीं देखी। अच्छा, ये कहां से आया? ठीक है, रात भर यहीं सड़ो, चाहो तो हफ्ता भर सड़ो यहीं पर। क्रिस्टी, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम कहीं नौकरी करके इन गैंग से दूर क्यों नहीं हो जाती? नौकरी ही तो करती हूँ, वो भी चली जाएगी अगर तुमने जाने नहीं दिया। तुम नौकरी करती हो? हाँ, नौकरी करती हूँ। कहाँ? ब्लू मून कैफे में, तीसरे मेन रास्ते पर। क्रिस्टी, इतना माल तुमने होटल में कमाया? बकवास। आखिर तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या हुआ अगर मैंने अलग थोड़ा पैसा बना लिया, कुछ कमा लिया? मुझे बिल्स चुकाने हैं, मेरी बहन कॉलेज में पढ़ती है। पुलिस, तुम लोग खूनी और बलात्कारियों को पकड़ना छोड़कर बेवजह बेकसूर लोगों के पीछे पड़े रहते हो।
बाहर एक होशियार बच्ची इसके बारे में पूछ रही है, कहती है इसकी बहन है। बाप रे, कैरिन यहाँ पर? कुछ सीरियस है? नहीं, दंगे करने और शांति भंग करने पर हिरासत, जेल में नहीं रही। क्रिस्टी, एक बात सुनो, इस बार तुम्हें छोड़ देता हूं, तुम जा सकती हो। मेरे पैसों का क्या? मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, इन रास्तों से दूर रहो, ज्यादा दिन जियोगी। चाय के लिए शुक्रिया सार्जेंट। नो प्रॉब्लम। तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो निक। मुझे नहीं लगता माइक तुम इसके बारे में गलत हो, वो ठीक है। तुम बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। वो तो तुम्हें पता ही होगा, इतने घाव जो लेकर आई हो। क्रिस्टी, तुम मारपीट क्यों करती हो? मुझे लगा कि तुमने रेड ड्रैगन छोड़ दिया होगा। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूं? आज मुझे तुम्हें जेल से निकालना पड़ा। पुलिस ने मुझे बताया कि तुम गैंग फाइट में थी और जुआ भी खेलती हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं होगा, मैं उन लड़कों को फाइट्स अरेंज करने के लिए कहती हूँ, फिर दांव लगाते हैं। इसमें कोई खतरा नहीं, सच में। इसे खेल की तरह समझो, छोटा खेल। कैरन, मैं सिर्फ वेट्रेस बनकर तुम्हारे कॉलेज की फीस नहीं भर सकती। जब तक तुम पढ़ाई मैं मदद कर सकती हूँ, मैं नौकरी कर सकती हूँ, मैं स्कूल से ब्रेक लेकर। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पढ़ाई पूरी करनी ही होगी। लेकिन क्यों नहीं? तुम्हें याद है माँ कैसे गुजर गई गरीबी में? उनके पास ना नौकरी थी, ना पति, ना हेल्थ बीमा। जब वो बीमार हुई, हम अच्छे डॉक्टर को भी नहीं दिखा सके। तभी मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और अच्छी पढ़ाई करवाऊंगी। मुझे उनकी याद आती है। हाँ, मुझे भी। तुम नहीं बच सकती, तुम मेरी इन्वेस्टमेंट हो। जब तुम डॉक्टर बनोगी तब मुझे कॉलेज भेजना। बेचारे टीचर्स। तो आप खर्चों की चिंता मुझ पे छोड़ दो। अगर तुमने खुद का ख्याल रखा तो ही ठीक है। ओके, मैं वचन देती हूँ। Hey, Anna. Hi, Paul. फाइट कैसी रही?
है ना? तुम जो कोई भी हो, कह देता हूं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे बीवी के साथ क्या कर रहे हो? क्या कहा? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं। चुप रहो आयना, संभल जाओ दोस्त। Yeah!
तुम मेरी हो। ये लीजिए। थैंक यू। शुक्रिया। क्या आप और कॉफी लेंगे? हाँ जरूर। तो टिफनी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया, मुझे मैथ्स में ए मिला है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। तुम्हें अब ऐसे ही नंबर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से सिर्फ गुजर रहा था और मुझे भूख भी लगी थी। ठीक है, तो क्या कॉफी मिल सकती है? ब्लैक और एक मुस्कान भी। मैंने पूछताछ की, तुम्हारी बहन की कहानी सच है। यकीन आया? इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। उस मारधाड़ के अलावा तुम कुछ और क्यों नहीं करती? आप मेरे जॉब काउंसलर भी बन गए, तुम मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते? मुझे सिर्फ मदद करनी है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। क्रिस्टी, सबको मदद छोड़ो। कॉफी का कितना हुआ? 5.50। थैंक्स। कुछ और लेना चाहेंगी आप? नहीं थैंक्स। नहीं यार। ए क्रिस्टी, हमारी ग्रुप लीडर, क्या हो रहा है? वाह, इतना माल कहां से मिला? हाँ? टिप्स। अच्छा है, तुम कुछ उधार दे सकती हो? नहीं, तो क्या चल रहा है दोस्तों? अगर तुम्हारे पास वक्त है तो हमारे पास बैर है। समझी? बैर? 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 मैं कुछ नहीं समझी। अरे चुप रहो यार। एक फाइट का प्रपोजल है, अगर तुम्हें चाहिए तो। हाँ, उस आदमी ने कहा है कि दांव 1-3 है, तुम करना चाहोगी? हाँ, तो फिर उसे फिक्स कर दो। हाँ। अब मुझे काम पर जाना है, तुम लोगों से बाद में मिलती। अरे वो उधार के बारे में। चलो तुम लोग अब क्या करें? छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। या तुम मानते क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? प्लीज मुझे जाने दो, मैं वादा करती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं सच कहती हूँ, किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? तुम उस गधे के साथ भाग गई थी ना? छोड़ दो। चलिए पीछे रहिए, लाइन के पीछे प्लीज। उसके नाक फूटी है, आंखें नोची गई है, और एक शौक है तुम्हारे लिए, ये संग किम था, वो वर्ल्ड कराटे चैंप। और कुछ? हाँ, उसके गर्दन पर एक निशान है। कोई गवाह? नहीं, लेकिन पार्किंग अटेंडेंट कहता है वो एक लड़की के साथ यहाँ आया था, लेकिन दोनों का कुछ भी पता नहीं। गाड़ी के लिए एपीपी डाल दो और साथ में लड़की का हुलिया भी। सर्जेंट, कैप्टन आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत खूब, और कुछ? लगता है पहले उसे मारा गया और फिर रेप किया गया,
उस तरिंदे ने उसकी आंखें भी नोच दी हैं। माइक, इसका खुद ख्याल रखना कि फोटोग्राफर इसकी तस्वीर जरूर लें। रिपोर्ट्स यहां से बाहर निकालो और जितनी जल्द हो सके लैब की रिपोर्ट्स मेरी टेबल पर होनी चाहिए। मिलेगा। रॉको, तुम्हारा बिग बेयर कहाँ है? अब तुम इस वक्त पीछे नहीं हट सकते। hey, तुमने कहा था एक का तीन दाव है। वो आ रहा है। कितना दाव लगा रही हो? 1000। कहाँ से लाई हो इतने पैसे? टिप्स। क्या तुम्हें ऐसे परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, इसे संभालो। बेर, 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 बेर। ये तो बहुत तगड़ा है। जितना बड़ा आदमी उतना जोरदार धमाका। ठीक है, तुम्हें नियमों का पता है। गन्स, चाकू, ईंटे या और कुछ इस्तेमाल करना मना है। याद रखो, हाथ जमीन पर लगा तो खेल खत्म। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया रुकी, अब तुम घर जाकर खाना पकाओ। बेचारा छोटा बेबी बेयर, इसलिए मम्मी ने नैपी बांध दी है। अब खेलने का वक्त आ गया है। रेडी फाइट। बहुत खूब बेवकूफ। हार गए बेयर। ये कैसे हुआ? ओ, बेर, बेर। ये क्या, सारे पैसे बर्बाद हो गए? वाह, बहुत अच्छे। वो लोमड़ी, उसने मुझे फंसाया। ओ, मेरे प्यारे बेर। एना, एक कोक लाना। ओके, एक मिनट ठहरो, मैं अभी लेके आती हूँ। धत, धत, हेलो आना, जाने का वक्त आ गया है ना? क्या? मुझे छोड़ दो। Yeah!
मार्को, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा था तुम सीरियल किलर के केस में बिजी हो। कोई सुराग नहीं कैप्टन, हमें आशा है कि शायद लैब से कोई सुराग मिले। हाँ, मैं भी सारी फाइल छान रहा हूँ ताकि उस आदमी के जैसा कोई मिले। गुड, ये केस पार लगने तक बाकी सारे केसेस छोड़ दो। मेजर इस केस की वजह से मेरे पीछे पड़ा है, इसका मतलब जानते हो ना? हाँ, काम करो। उस खूनी को पकड़ने के लिए जो करना है करो, मुझे लगातार बताते रहना ताकि मेयर को प्रेस के लिए कुछ न कुछ देता रहूं। उसका इसी केस पर ध्यान है, अगर कुछ हाथ नहीं लगा तो सर काट देगा। यस सर। ओह, माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है गलती से। एक्सीडेंट के लिए माफी चाहता हूँ। एक शर्त पर, आप मेरे घर आकर ड्रिंक लेंगे। ऐसी चीजें यहाँ नहीं मिलेगी। समुराई तलवार, मुझे क्रिस्टी के लिए तलवार खरीदनी है। हमें एक मार्शल आर्ट की दुकान में जाना चाहिए। तो तुम क्या दे रहे हो क्रिस्टी को बर्थडे पर? पता नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं है। जल्दी सोच लो, उसका बर्थडे कल है। हाँ मालूम है। हेलो आना, आना तुम मेरे साथ आ रही हो? तुम पागल हो, मेरा नाम आना नहीं। क्रिस्टी, सुनो, उस दिन तुमने मेरे लिए जो किया उसकी मैं कद्र करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि... क्रिस्टी, एक बुरी खबर है। क्या? देखो, मुझे ये कहना ही होगा, मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन का खून हुआ है। तुम्हें आकर बॉडी को पहचानना होगा। कोई गलत फहमी हुई होगी क्रिस्टी, काश ऐसा ही हो।
पुलिस स्टेशन जाके जांच करते हैं। देखो मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, इसके लिए अपने आप को तैयार कर लो। दिखाइए। करण, oh my god, करण, ये क्यों हो रहा है? ये क्या हो गया? करण, ये क्या हो गया? तुम मुझे छोड़ के चली गई। मैंने माँ से वादा किया था। ये ठीक नहीं हुआ। क्रिस्टी संभालो अपने आप को। क्रिस्टी प्लीज, क्रिस्टी ऐसा मत करो। नहीं नहीं, किसने किया? किसने? कुछ पता नहीं चला अभी। I'm sorry क्रिस्टी। क्रिस्टी संभालो। यकीन नहीं होता कि तुम छोड़ के चली गई। बहुत हिम्मत है तुम में, फाइटर के कपड़े पहने हो। क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी ली। रेड ड्रैगन्स की क्रिस्टी जॉन्स। क्या हुआ? सुना तुम सुधर गई? तुम अभी भी औरतों को मारते हो ली? सुना है आजकल बहुत बिजी हो। किसने भेजा? ग्लोरिया। हाँ, अब वो गई काम से। अब वो नहीं बता रही होगी, लेकिन सच तो ये है, तब वो मुझसे भीख मांग रही थी और मैं एक औरत को ना कैसे कहता। मैं अपनी बहन की बात कर रही हूँ, अब तुम नहीं बचोगे। भूल है तुम्हारी, रेड। अच्छा है कि मैंने तुम्हें जान से नहीं मार डाला। रुक जाओ क्रिस्टी, ये तुम क्या कर रही हो? निक, ली नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, जो कहना है थाने में आकर कहो। देखो क्रिस्टी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम मुर्दा घर से गुस्से में निकल आई, कहाँ थी तुम? मुझे कुछ देर अकेले रहना था। चलो गाड़ी में बैठो। क्रिस्टी, तुम नॉर्थ साइड में आकर ईगल से क्यों लड़ रही थी? मुझे बदला लेना था निक, ली ने ही कैरन का खून किया है। ये तुम कैसे कह सकती हो? उन्हें ईगल्स कहते हैं क्योंकि ली ईगल क्लॉक कुंफू में माहिर है। अच्छा, कैरन को किसी ईगल क्लॉक इस्तेमाल करने वाले ने मारा है,
उस पार्क में ली और उसके साथी ने कई लड़कियों पर हमला किया था। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही राज की बात बताता हूँ। मैंने मार्शल आर्ट सीखा है और जो ये सब कर रहा है वो यकीनन ईगल तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहा। निशान अलग हैं। मुझे पता नहीं ये क्या है, पर जिसे पता है इसका अंदाजा है। एक मिनट रुको, शायद ली कुंग फू की कोई और स्टाइल जानता हो। लाशों के नाखूनों से जो त्वचा के सैंपल्स लिए थे उनसे ली की त्वचा मेल नहीं खाती। तो क्या वो ली नहीं है? नहीं क्रिस्टी, देखो ली छोटे मोटे काम करता है, चोरी, एक आधा डाका। हम जिसे ढूंढ रहे हैं उसके जैसा ली बिल्कुल नहीं है। अगर तुम इसमें टांग ना अड़ाओ तो हम ठीक तरह से अपना काम कर सकते हैं। मुझे मालूम है तुम डिस्टर्ब हो, लेकिन तुम मुसीबत में फंस सकती हो। तुम पुलिस नहीं हो। और तुम्हारी बहन तो नहीं मरी है? देखो, मुझे कैरन के मरने का अफसोस है, सच में, लेकिन क्रिस्टी तुम ऐसा नहीं कर सकती। सुनो, अगर तुम्हें आगे से कुछ भी सूझे तो प्लीज मुझे फोन कर दो। तब तक मैं हमारे छानबीन की जानकारी तुम्हें देता रहूंगा। अब घर जाओ वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ओके? ठीक है। निक, तुम क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ लोगों के साथ केस सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे यकीन नहीं होता तुमने उसे यहां से आसानी से जाने दिया। तुम उसे पसंद करते हो? छोड़ो भी माइक, वो अच्छी लड़की है और मदद भी करना चाहती है, और इस तरह से मैं उस पर नजर भी रख सकता हूँ। हाँ, तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो। मुझे पुलिस पर यकीन नहीं होता। उन्होंने अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की, और ली को भी पकड़ा है तो सिर्फ मेरी वजह से पकड़ा है। पर तुम उसके पीछे पड़ी ही क्यों? जब मैंने कैरन को देखा उसके गर्दन पर नाखून के निशान थे। मैं सिर्फ ली को ही जानती हूं जो इस तरह का हमला कर सकता है। तकरीबन 3 महीने पहले एक क्लब में कोई गुंडा एक सुंदर सी लड़की को छेड़ रहा था। मैंने सोचा उसे सबक सिखाऊं। अरे यार, उसका वार जरा बाजू में लगा वरना अब तक तो मैं मर गया होता। कौन था वो? उसका नाम रायको था, मेनियक्स के ग्रुप का। मेनियक्स? वो तो फालतू मवाली है। वो फालतू मवाली थे, अब गुंडे बन गए हैं वो, और जो करना चाहते हैं वो करते हैं। फाइट फिक्स करो, मुझे उस रायको को परखना है। जिस टाइम मैं उधर पहुंचूंगा वहां पर हंगामा हो जाएगा। तुम फाइट फिक्स तो करो, अपने सारे लड़कों को बुलाओ, हमें शायद उनकी मदद लेनी पड़े। और एक काम करना, निक को भी बुला लेना। वो रहा रायको। जिमी कहाँ है? कोर्ट में। मेरे खेल में ये नहीं चलेगा। वही नियम वही खेल, जीतने वाला सब ले जाएगा। क्रिस्टी, अब तुम खल्लास। तुमने ली को बहुत परेशान किया। मुझे अपनी बहन की मौत के बारे में तुमसे कुछ सवाल करने हैं। ये सब बकवास बातें हैं। हम इस तरह बिजनेस नहीं करते। तुम अपने पैसे ले लो, मुझे फोन मत करना, मुझसे ताल्लुक मत रखना, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। ली मेरा दोस्त है, तुम्हारी बहन मर गई उससे मुझे क्या? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तैयार हो जाओ पिटने के लिए। क्या बकवास मत कर रही हो? मैं अकेला ही काफी। बहुत अच्छा क्रिस्टी, बढ़िया। मारो उसे क्रिस्टी, संभलना। चलो चलो। Yeah.
पंजे मारेगा, पंजे मारेगा। ये ले, ले, ये, 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 ये ले, बहुत मस्ती है ना तुझे? ये ले, ये, तुझे? पुलिस, बस हुआ बच्चों, छुट्टी खत्म हुई। अब दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। चलो जल्दी करो, चल दे। क्या तुम ऐसी मदद करना चाहती हो? जरा देखो, तुम और एक गैंग वॉर शुरू करने वाली हो। मैं इंतजार कर रही थी लेकिन ये लोग टूट पड़े। तुम्हें भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सीधे खड़े रहो। मुझे बड़ा अफसोस है कि कैरन। शुक्रिया कैरन, आपकी बहुत इज्जत करती थी, मुझे उसे पढ़ाना अच्छा लगता था, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी वो। निक, ये है डॉक्टर सिमंस, ये कैरन की टीचर थी यूनिवर्सिटी में, मुझे जेनिफर कह सकते हैं। सर्जन निक डिमार्को, मेट्रो होमिसाइड। क्या पढ़ाती हैं आप? एबनॉर्मल साइकोलॉजी। कुछ पता चला अब तक? कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लैब के नतीजे नेगेटिव आए हैं। शायद कभी आपकी मदद लूंगा, हमें फायदा होगा। बिल्कुल, अगर मेरी जरूरत पड़े तो जरूर बुलाना, मैं ऑफिस में ही मिलूंगी। ग्रेट, थैंक्स। टेक केयर। क्रिस्टी, अगर तुम कुछ नहीं कर रही हो तो थाने में कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। क्या है? मैंने मार्शल आर्ट्स के एक विशेषज्ञ को बुलाया है, वो निशान पहचाने में मेरी मदद करेगा। मार्शल आर्ट्स में जानवर नाखून तकनीकों पर आधारित बहुत सारे मैच है, जैसे शेर नाखून, आइए, जो है वार करने और तोड़ने के लिए, ईगल क्लॉ दबोचने के लिए, प्रेगमेंट इस वार करने, दबोचने, घोपने के लिए। उस खूनी ने कौन सी तकनीक अपनाई होगी? कोई नहीं। आपने ये जानकारी देकर हमारे शक के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ाई है। ये सही नहीं है। ये क्लॉ तो एक बहुत ही कम पाया जाने वाला चीनी ड्रैगन क्लॉ का तरीका है। उसे युद्ध के पहले ओकिनावा में रचा गया था। थैंक यू। और मैं ऐसे सिर्फ 3 अमरीकी जानता हूं जो इसे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? जरूर। डर गए क्या? हाँ थोड़ा सा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम मिस्टर स्टुअर्ट को मिलने आए हैं। कौन हो तुम? मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। शांति रखो, मैं पुलिस ही हूँ। मैं शार्लेट क्रेब्स, इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हूँ। क्या मिस्टर स्टुअर्ट मुसीबत में हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? नहीं, वो लगभग 1 महीने से बाहर गए हुए हैं। हनीमून। मैं उनके घर की देखभाल भी करती हूँ और कुत्ते को भी घुमाती हूँ। कोई परेशानी है? नहीं, हमें उनसे कुछ जानकारी चाहिए लेकिन जल्दी नहीं है। थैंक्स। मैं जो पेट्रोनी को ढूंढ रहा हूँ। मिशेल, मुझे बात करने दो। कौन हो तुम? सेल्समैन? पुलिस। मैं हूं जो पेट्रोनी, क्या चाहिए? समझ गए तुम? हाँ। ओके। अरे यार, ये पुलिस वाला यहाँ क्यों आया? तुम लोग इसे संभालो, यहाँ से निकलता हूँ। मैं संभाल लूंगा। तुम यहाँ सीखने आए हो? मैं यहाँ तुम्हारे बॉस से मिलने आया हूँ। वो यहाँ नहीं है। शायद मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे लगता है तुम्हें कुछ सिखाना चाहिए। दोस्तों चलो इसे सबक सिखाओ। इतनी जल्दी भी क्या है? हनी, पता नहीं तुम्हें क्या चाहिए लेकिन मुझे यहाँ से जाना है। इतनी जल्दी भी नहीं हनी। देखो, मैं लड़की पे हाथ नहीं उठाता, मुझे यहाँ से जाने दो।
तुम्हें चुप रहने का पूरा अधिकार है, तो चुप रहो और मुझे बख्श दो। तुम चाहती क्या हो? चुप रहो। क्या बात है? बहुत आसान था। तो रॉन विस्टा कौन है? मैं तुम्हें देख लूंगा। मेरे पास अच्छी खबर है और बुरी खबर। मुझे पहले वो बुरी खबर सुना दो। विस्टा हमारा आदमी नहीं है। लैब के रिपोर्ट्स मैच नहीं होते। मालूम है, लैब के आदमी अभी अभी आए थे। वो के लिए लिस्ट का कोई फायदा नहीं। हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी से साइकियाट्रिस्ट को बुलाया है, शायद इस मामले में हमें उसकी कुछ मदद मिले। गुड आइडिया। अब अच्छी खबर सुनाओ। मुझे कल रात के गेम की टिकटें मिली है, मिड कोर्ट 5 वारू। ये हुई ना बात। साजन डिमाको आ गई। वो ये साइकेट्रिस्ट है। शान बच्चे, डॉक्टर सिमंस, अंदर आइए प्लीज। ये मेरे साथी डिटेक्टिव माइक थॉमसन हैं। डॉक्टर सिमंस, आपको बास्केटबॉल पसंद है? नहीं। माइक अभी जा ही रहा था। आप बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। मिलकर अच्छा लगा। आप क्या लेंगी, कॉफी या सोडा? नहीं थैंक यू। ठीक है, तो काम की बात करते हैं। दो को छोड़कर बाकी सारी महिलाएं, सभी की गर्दन तोड़ी गई और दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। बात की लाशों की कुछ हड्डियां टूटी पाई गई थी, हाथ पैर, शायद उन्होंने कोई हाथापाई की हो, शायद, या फिर उसका गुस्सा बढ़ रहा हो, ऐसा होता है। हर औरत के लाश के नजदीक फूल पाए गए, आयरिसिस, और सभी ने फूलों की डिजाइन वाले कपड़े पहने थे। उसने उसकी गर्दन कैसे तोड़ी? हमने उनके चोटों की जांच की और एक विशेष मार्शल आर्ट्स तकनीक को पाया उसमें, लेकिन मुझे और जानकारी चाहिए। अब जो भी बताएंगे उससे मदद मिलेगी। वैसे ज्यादातर सीरियल किलर से बचपन में बुरा सलूक हुआ होता है, अत्याचारियों से बदला लेने के लिए ये खून करते हैं। ये खूनी शायद किसी औरत का बदला ले रहा है, उसकी माँ, दोस्त या बीवी। बीवी की ज्यादा संभावना है। आपको ऐसा क्यों लगता है? ये तस्वीरें देखिए, अगर ध्यान से देखें तो हमें लगेगा कि इनका कोई संबंध है। उसने सारी लड़कियां एक जैसी चुनी है, लाल बालों वाली, जवान, नाजुक लड़कियां। ग्रेट, मतलब किसी भी लाल बाल वाली, फूलों के डिजाइन के कपड़े पहनने वाली लड़की को खतरा है? जरूरी नहीं है, वो उन्हें भी ऐसे कपड़े पहनने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन आंखें, वो उनकी आंखें क्यों नोचता है? पता नहीं, उसके दिमाग का कोई खेल हो सकता है। ओह माय गॉड, कुछ मिला क्या? कुछ सोच रही हूं। डॉक्टर, वो एक ऐसा पागल है जो खून पर खून करके उनकी आंखें नोच रहा है। अगर कोई सुराग है तो प्लीज मुझे बताइए। शायद कुछ मिले। मेरे पास शोषित औरतों की बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं अपनी सेक्रेटरी से चेक करवाऊंगी और आपको खबर दूंगी। ठीक है, मैं क्रिस्टी को फिर एक बार ये फोटो दिखाता हूँ ताकि वो बताए कि कपड़े कैरन के हैं या नहीं। गुड आइडिया। थैंक्स। हेलो मिस्टर रॉबर्ट्स। हाय डॉक्टर। हाय बेटी। हाय। एना टेलर की फाइल मेरी टेबल पर है। हाँ है। ठीक है, मैं अभी मिस्टर रॉबर्ट्स से मिलती हूँ। ओके ओके।
अब मैं समझ गई, मेरी साइकेट्रिस्ट सही थी। मुझे ये सब बर्दाश्त करना नहीं चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। सर्जन डिमार्को प्लीज। निक, मैं जेनिफर सिमेंस। मुझे लगता है मुझे कोई सुराग मिला है। मेरी एक क्लाइंट है जिसका पति एक प्रोफेशनल फाइटर है, एक बहुत ही खूंखार अत्याचारी आदमी। और यही नहीं, वो हमेशा फूलों वाले डिजाइन के ही कपड़े पहनती थी, और उसने कहा भी था कि उसके पसंदीदा फूल है आयरिशेस। अब हमारी पिछली मुलाकात में मैंने उसे अपने पति को छोड़ने की सलाह दी थी। अगर उसने छोड़ा है तो ये उस आदमी का अपनी बीवी को सजा देने का खौफनाक तरीका हो सकता है। क्या तुमने हाल ही में उस औरत को देखा है? नहीं, उस पिछले मुलाकात के बाद नहीं। उसका पता है तुम्हारे पास? हाँ हाँ है। अगर आप उसके घर जा रहे हैं तो मैं आपको वहाँ मिलती हूँ। Well, ये पुलिस का मामला है जेनिफर। निक, अगर मैं नहीं आई तो कैसे मदद करूंगी? ठीक है, लेकिन गाड़ी दूर लगाना, और मैं जब तक ना पहुंचूं गाड़ी में ही रहना। ठीक है, थैंक यू। नीचे देखो। ऊपर कोई नहीं है क्या? कोई नीचे है? यहां नीचे सब खाली है। यही है वो। आयरिसेस, उसी तरह के जैसे लाशों पर मिलते रहे। लगता है आखिर उसने अपने पति को छोड़ ही दिया, और अभी तक हमें उसकी लाश नहीं मिली। शायद वो निकल गई। माइक, लैब के लोगों को यहाँ बुलाओ, मुझे निशान लेने हैं। हाँ, अभी बुलाता हूं। और ये भी जानकारी हासिल करो कि आदमी गाड़ी कौन सी चलाता है। हाँ। अगर यही खूनी है और अनजान है तो हमसे बच नहीं पाएगा। जरूर आओ, चलें। ओके मिस्टर विलियम्स, फ्राइडे को मिलते हैं। बाय बाय। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाय, डॉक्टर सिमंस है? नहीं, वो नहीं है। आपका कुछ मैसेज हो तो मैं उन्हें दे सकती हूँ। मिस्टर? कोई मैसेज नहीं, मैं उनका पुराना दोस्त हूं, सरप्राइज दूंगा। ओके। क्रिस्टी, रुक जाओ। हाय, क्या हुआ? जेनिफर ने हमें एक नाम और पता दिया है। लगता है उसके किसी क्लाइंट से उस खूनी की शादी हुई है। हमने उसके घर की तलाशी ली और निशान भी मिले। वो दोनों एक हैं। कौन है वो? पॉल टेलर, उसको स्टिंग रे के नाम से जाना जाता है। तुम जानती हो उसे? नहीं, सुना है। बहुत खूंखार है, इसलिए उसे स्टिंग रे बुलाते हैं। वो एक आदमी के लिए लड़ता है जिसका नाम है लू डेमेस्की। बहुत पैसा कमाता है। पता है डेमेस्की कहाँ मिलेगा? साउथ साइड में उसकी जगह है, वैगनर जिम के सामने। गुड, चलो चले। क्या हम पहले घर होकर जा सकते हैं? हाँ जरूर। चलो रेस लगाते हैं। नहीं, मेरी गाड़ी लेकर चलते हैं। कहाँ हो जनाब? मैं तुम्हें हफ्ते भर से ढूंढ रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं बिजी हूँ। किस में बिजी हो? शुक्रवार को बड़ी फाइट है। मैंने तुम पर बहुत पैसा लगाया है स्टिंगरे। थत, मुझे जाकर देखना पड़ेगा किस वजह से इतना बिजी है। कोई लड़की होगी शायद। कहाँ जा रहे हो? हे मायरना, तुम जरा ऑफिस संभाल लेना, ठीक है? लेकिन तुम्हारा तो मिस्टर ब्राउन के साथ अपॉइंटमेंट है, तुम कैसे जा सकते हो? तो उसे कल पर टाल देना। मिस्टर ब्राउन वो बाहर गए हैं, शायद गोदाम में गए हैं। क्या आप शुक्रवार को मिल सकते हैं या फिर सोमवार को? ओके, थैंक यू, गुड बाय। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हमें लू डेमेस्की से मिलना है। आखिर तुम हो कौन? सर्जन डिमार्को, मेट्रो होमिसाइड। डेमेस्की कहाँ है? वो बाहर गए हैं, आप लोग बाद में आना। क्या यही है वो? हाँ, हैंडसम है ना? हाँ, बहुत प्यारे हैं। हाँ, बहुत।
जब भी तुम्हारे बॉस से खबर आए उनसे फोन करवाना, ओके? जैसा आप कहें। सिंगरे, मैं हूं लू। कोई काम वाली तो रख लेता, मैं बहुत ज्यादा पैसे देता हूं उसे। ये क्या है? फिश टैंक में ये आंखें क्यों रखी है? वहां क्या है? मुझे ढूंढ रहे हो लो? ए स्टिंगरे, मैं तुम्हें देखने आया था दोस्त। फिली के पार्टी के साथ मीटिंग हुई, तुम नहीं आए। मैंने कहा था मैं बिजी हूं। हाँ देख रहा हूं, बहुत बिजी। मतलब हम इस पर सोच विचार कर सकते हैं, हम तो पुराने दोस्त हैं। यहाँ नहीं आना चाहिए था लू। तुम्हारे यहाँ आने से पहले एन और मैं बड़े मजे में थे। तुम पागल हो क्या? वो मर चुकी है। मेरा यह मतलब नहीं था, मतलब तुम्हें जापान से आने के बाद किसने काम दिया? मैंने। मैं ये सब संभाल लूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लाश को छुपा देंगे। किसे छुपाओगे? ऐना को छुपाओगे? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूं स्टिंगरे। हम पुराने दोस्त हैं। तुम्हें ऐना और मेरी फिक्र नहीं है, तुम्हें सिर्फ पैसों की फिक्र है। लगता है सारे गीदड़ भी आए हैं। हाँ, इन चूहों को यहाँ किसने बुलाया होगा? सर्जेंट, जाने दीजिए, हट जाइए, हट जाइए हमारे रास्ते से। बताइए ना सर, सुनिए तो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम उसके इतना नजदीक आकर भी उसे खो दिया। शायद स्टिंगरे को पता चल गया हो। नहीं, शायद डेमिस्की को उसके बारे में पता चल गया है। वो किसी और को मार डाले, उसके पहले हमें गोदाम ढूंढना होगा। मैं डेमिस्की और स्टिंगरे के नाम पर कोई जगह है क्या यह देखता हूँ। गोदाम किसी एक के नाम पर होना चाहिए। अच्छा आइडिया है। तब तक मैं डॉक्टर से पूछताछ करता हूँ और क्रिस्टी से भी। शायद वो किसी फाइटर को जानती हो जिसने उसके साथ काम किया हो। किसी के साथ तो उसने सीखा होगा। निक, मैं जेनिफर। मुझे कुछ मिला है। एक चिट्ठी मिली है स्टिंगरे की बीवी यानी मेरे क्लाइंट की, साथ में उसकी फेवरेट परफ्यूम जो मुझे गिफ्ट की है। उसमें कुछ इस तरह लिखा है, आपकी सलाह के लिए थैंक्स, आखिर मैंने कर दिखाया, मैं मिलती रहूंगी। आपको उनके गोदाम के बारे में कुछ जानकारी मिली? जैसे कोई आवाज, कोई गंध, ऐसा कुछ भी? हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं। कुछ पता चला तो आपको जरूर बताऊंगी। थैंक्स जेनिफर, मैं तुमसे जल्द ही बात करूंगा। ऑलराइट, थैंक्स। अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ। बेटी, 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 ओह माय गॉड, सारा कसूर तुम्हारा है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम सब जानते हो।
उसने अपनी चिट्ठी में तुम्हारे बारे में सब बताया था। क्या सच में? क्या ये भी बताया था कि वो तुमसे कितना प्यार करती थी? नहीं, उसने कहा कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मेरे साथ अब नहीं रहना चाहती। क्या बात कर रहे हो डार्लिंग? पॉल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ डार्लिंग। मैंने तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम भी लगाया है। एना, एना, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है? ओके एना। ओके, फिर मैं तुम्हें अच्छा सा मसाज दूंगी। नहीं! मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मुझे मालूम है तुमने मुझे धोखा दिया है। छोड़ो। चलो ना मम्मी, मुझे खेलना है। मुझे कभी मत छोड़ना मम्मी, मैं गुड बॉय बनूंगा। मम्मी, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। पॉल, तमीज से रहो। वरना मैं तुम, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे ठीक से रहो, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे अपने कमरे की सफाई करो। मुझे माफ करो मम्मी, फिर ऐसा नहीं करूंगा, प्रॉमिस। अब अच्छे बच्चे बनूंगा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, लेकिन ठीक से रहना, चुप रहना। फ्रिज में खाने के लिए कुछ भी नहीं है पॉल, तुम यही रहो अच्छे बच्चे की तरह। अब मम्मी बाहर जाकर खाना लेकर आती है। ओके, ठीक है मम्मी। मम्मी तुम मत जाओ, मैं लेकर आता हूं। तुम यहीं रहो, मैं दुकान से लाता हूं, ठीक है ना मम्मी? जेनिफर, तुम ही हो ना? हेलो, क्या तुम सुन रहे हो? जेनिफर, तुम ही हो ना? अजीब आवाज आ रही है। मेरी मदद करो, मैं कैद में हूँ। क्या कह रही हो? किसने पकड़ा है? स्टिंगरे ने मुझे कैद किया है। मैं पुराने रिकॉर्ड गोदाम में हूँ, जो 10th और 18th रोड के बीच में है। पुलिस को बुलाओ। मैं अभी आती हूँ। जल्दी। ये सिटी पुलिस है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, ध्यान से सुनिए, मेरा नाम क्रिस्टी जोन्स है और मुझे एक मैसेज तुरंत सार्जेंट निक डी मार्को को पहुँचाना है।
उनसे कहना कि स्टिंगरे ने जेनिफर को कैद कर रखा है रॉकर गोदाम में 10th और 18th रास्ते में, समझ गई? पुराना रॉकर गोडाउन 10th और 18th के बीच में। मैं आ गया, जो तुम्हें चाहिए सब लाया हूं, अब मजा आएगा। मम्मी कौन? जेनिफर भागो! एना, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। संभालो अपने आप को, चलो हारना मत, सांस लो, सांस लो माइक, सांस लो, तुम सांस लो, सांस लेते रहो माइक, माइक।
आ जाओ। हाय। हाय। कैसे लग रहा है? हाँ थोड़ा दर्द तो हो रहा है लेकिन डॉक्टर बता रहे हैं मैं जिंदा हूँ तो। तुम अच्छी लग रही हो। मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप लाई हूँ और ये तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो क्या उसका कुछ पता चला? अभी नहीं। तुम फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। जेनिफर, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरा ऑफिसर दरवाजे पर है, वो मुझे कभी भी बुलाएगा। जरा संभल कर। इस दरवाजे पर 24 घंटे का पहरा लगा दो, किसी को भी अंदर नहीं छोड़ना। यस सर। 24 घंटे मेरे खाने का क्या होगा? आराम से। अब तुम्हारा हाथ कैसा है क्रिस्टी? अब ठीक हो रहा है। गुड। मैं उसे मार डालूंगी निक। हम उसे जरूर पकड़ेंगे। इस लिफ्ट को कितनी देर लगती है? चलो सीढ़ियों से चलते हैं। ओके। क्या हुआ डॉक्टर? उप्स। क्या हुआ? मैं अपने सनग्लासेस भूल गया। ओ, चलो लेकर आते हैं। कुछ गड़बड़ है। चलो। मर चुका है। तुम उस तरफ जाओ। हाँ। वो रहा। हटो। अरे क्या हुआ? ए, इस तरफ। गन फेंक दो। अभी। Yeah!
सजा मिल गई स्टिंगरे। हाँ अलविदा। मेरी बहना, हमने उसे पकड़ लिया, अब वो किसी पर हमला करने के लायक नहीं रहा। तुम्हें तो इस बारे में पता ही होगा। आई लव यू कैरन, और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम ठीक हो? क्रिस्टी, अब जब यह सब खत्म हो गया है, मतलब तुम्हारी मर्जी हो तो क्या तुम अभी भी रेड ड्रैगन के साथ रहोगी? क्योंकि मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र होती है और मैं नहीं चाहता। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। बाय। क्या बात है? हे क्रिस्टी, क्या हम सचमुच कॉलेज में एडमिशन लेंगे? हाँ, अरे मैंने बताया ना, हमारा दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है। जाओ और मजे करो, मैंने तुम लोगों का एडमिशन करवा दिया है, सोमवार से क्लासेस शुरू। पर तुम्हारा क्या? मैं नहीं। हाँ तुम भी, तुम्हारा भी एडमिशन करवाया है।